स्वर्ण महादेव हिमाचल में विराजमान है। वहीं कहा जाता है कि भगवान के दर्शन ऐसे ही नहीं होते, भगवान के दर्शन के लिए लोगों को बहुत से जतन करने पड़ते हैं। वहीं आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए लोग कितनी कठिनाइयों से इस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। वहीं हमारे भारत में सबसे कठिन यात्रा कैलाश मानसरोवर और उसके बाद अमरनाथ गुफा की मानी जाती है, लेकिन शायद उतना ही कठिन यात्रा श्रीखंड महादेव की भी है। वहीं श्रीखंड महादेव शिवजी का मंदिर है। यहाँ पर महादेव का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। आपको बता दें कि श्रीखंड की ऊंचाई 18,570 फीट है। वहीं भोले बाबा यहाँ 35 किलोमीटर की कठिन पहाड़ियों और जोखिम भरे रास्ते के बाद ही भक्तों से मिलते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लोग कितनी मुश्किल से पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। साथ ही दर्शन के लिए शुल्क भी लगता है और बिना पंजीकरण के आप इस मंदिर की यात्रा नहीं कर सकते। वही आपको बता दें कि हर साल श्रीखंड महादेव की यात्रा जुलाई के महीने में शुरू होती है। इस बार ये यात्रा 15 से 30 जुलाई तक की है। वही महादेव के श्रीखंड मंदिर की एक पुरानी कथा भी है। इस कथा के अनुसार भस्मासुर राक्षस ने अपनी घोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा था कि वह जिस चीज पर भी अपना हाथ रख देगा वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को ये वरदान दे दिया। वहीं राक्षसी माता पार्वती से शादी करना चाहता था। भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रख कर उन्हें भस्म करने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी ने उसकी इस मंशा को पूरा न होने दिया। तभी विष्णु जी ने पार्वती का रूप लिया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। गलती से भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रख कर खुद को भस्म कर लिया। आपको बता दें कि वहाँ की मिट्टी और पानी आज भी दूर से लाल दिखाई देता है। इस श्रीखंड मंदिर में महादेव के साथ साथ माता पार्वती और गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित है। लोग दर्शन के लिए कठिन पहाड़ी से होकर मंदिर तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट भक्ति सागर की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।